हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज आरएसएम एसएसबी ने सिलेबस जारी किया है, पैटर्न एग्जाम का क्या रहेगा और सिलेबस भी है। तो एग्जाम का जो सिलेबस पैटर्न अगर बात की जाए तो 40-80 का, जैसा पहले मैंने वीडियो में बताया था यही पैटर्न रह सकता है, तो वही पैटर्न है। यहाँ पे देखिए कि 40 मार्क्स का नॉन टेक है, 80 मार्क्स का टेक्निकल है सिलेबस। नो डाउट बी टेक और डिप्लोमा का अलग अलग दिया गया है यहाँ पे। अगर आप बात करेंगे तो 120 मार्क्स का हुआ, जिसके लिए एग्जाम आवर है 2 घंटे, सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए है। ध्यान रखें आपके आरएसएम एसएसबी का टेस्ट सीरीज भी आ चुका है, ठीक है ना। ये आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे भी कंप्लीट पीडीएफ भी मैं दे रहा हूँ। अब मैं एक एक करके सिलेबस का डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखें, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा का सिलेबस क्या है और बीटेक का सिलेबस क्या है, यहाँ पे समझिएगा। डिप्लोमा का सिलेबस जो है वही सिलेबस है जो एसएससी जेई का एग्जैक्ट कॉपी कर दिया, इसको है ना कॉपी कर दिया है, और कोई चीज एक भी टर्म एक्स्ट्रा नहीं है। ये देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसिक फंडामेंटल, ये आप सर्किट थ्योरी के अंदर पढ़ते हो, सर्किट थ्योरी के अंदर आप डिस्कस करते हो, ध्यान रहे ये। और मैंने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कराया हुआ है ना सर्किट थ्योरी के अंदर, ठीक है। सर्किट थ्योरी के अंदर ये चीज़ें आ गई। उसके बाद देखिए मीजर, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है 5वां टॉपिक, जिसको आप मैंने अच्छे से करा रखा है कोर्स के अंदर, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, ओके। अब यहाँ पे बात कीजिए, मेजरमेंट हो गया इलेक्ट्रिकल मशीन, ऑब्वियसली मशीन के अंदर हमने बहुत अच्छे से कोर्स कर रखा है इसका। सिंक्रोनस और मशीन, ये सब दोनों किस में आ जाएगा जी, ये मशीन के अंदर ही आएगा सिंक्रोनस, और पूरा मशीन के अंदर ट्रांसफार्मर, डीसी, इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन में ही आ गया। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसएससी जेई का भी सिलेबस है जिसको पावर सिस्टम कहा गया, जिसको क्या कहते हैं पावर सिस्टम, वो अभी कोर्स के अंदर चल रहा है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, हालांकि बहुत कम मार्क्स से पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये एसएससी जेई का कोर्स है। यूटिलाइजेशन, ये भी बहुत कम पूछे जाते हैं पर ये भी एक चैप्टर है। एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो अभी स्टार्ट ही किया था हमने यूट्यूब के अंदर भी। तो ध्यान रखें ये कंप्लीट सिलेबस जो है आपका वो एसएससी जेई का ही कॉपी कर दिया है, कोई चेंजेज नहीं है, बिल्कुल एसएससी जेई का है। और ये कोर्स भी अवेलेबल है आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे, फुल कोर्स अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इस चीज का आपको ध्यान रहे। अब आगे बात करूं बीटेक के लिए, तो बीटेक में सर्किट, फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, मेजरमेंट, कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, इसमें एक्स्ट्रा क्या है एसएससी के साथ, एसएससी जेई के साथ, एसएससी जेई के अलावा प्लस में और क्या है ये देखना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, स्विच गियर। अब देखिए पावर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, ये पावर सिस्टम का हिस्सा है। सर्किट थ्योरी आपको पढ़ना ही पड़ता है। उसके बाद बात करें फील्ड थ्योरी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, हालांकि मैग्नेटिक सर्किट इसमें आ जाता है लेकिन फील्ड थ्योरी थोड़ी सी यहाँ पे एडिशनल है। मटेरियल, इलेक्ट्रिकल जो है मटेरियल आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, मेजरमेंट हो ही जाएगा, कम्युनिकेशन आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, कंट्रोल सिस्टम वाले जो कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो ये भी है कंट्रोल सिस्टम बीटेक के अंदर। मशीन आप पढ़ोगे एसएससी जेई के अंदर, इलेक्ट्रिकल मशीन हो जाएगा, मशीन यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद पावर सिस्टम, ठीक है ना, पावर सिस्टम ये मशीन एसएससी जेई कोर्स में पढ़ोगे, स्विच गियर प्रोटेक्शन इसका पढ़ोगे, यानी अलग से आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अलग से क्या पढ़ने हैं, ओनली 4 सब्जेक्ट्स एसएससी जेई में। अलग से अगर 4 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो तो आपका यहाँ से बीटेक वाले का कोर्स हो जाता है। तो ज़्यादा टफनेस नहीं है, टफनेस इन द सेंस थोड़ा लेंथी पेपर तो बीटेक वाले के लिए है, डिप्लोमा वाले के लिए वही है जो आपने एसएससी जेई के लिए तैयारी लगातार कर रहे हो। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए इस चीज़ को पढ़ने के लिए। और कोर्स की दिक्कत है, जिसको भी कोर्स चाहिए ऑलरेडी फुल कोर्स और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अरेंज किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखें। यानी ये इसको आरएसएम एसएसबी का कोर्स ना बोला जाए, अगर कोई एसएससी जेई का भी कोर्स बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ है, क्योंकि ये फुल कोर्स एसएससी जेई का ही है, पूरा देखोगे सिलेबस एसएससी जेई का है, तो हम आरएसएम एसएसबी के लिए भी कर देंगे, इस चीज का ध्यान रहे। इलेक्ट्रिकल में जो बीटेक वाले हैं, अभी चूंकि कोर्स हमारे बाकी सब्जेक्ट पे नहीं गए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 1 मंथ का टाइम लगे, लेकिन बाकी आप एसएससी जेई के पूरे टॉपिक कवर कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बात रही मैकेनिकल और सिविल वालों की, ध्यान रखें मैकेनिकल और सिविल वालों को भी पहले जो नोटिफिकेशन में जारी था जो पिछले साल का, वही सिलेबस है, लेकिन मैं आपको जो है सिलेबस
सिलेबस का पूरा जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एजुकेशन अगर टेलीग्राम में सर्च करोगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म तो वहां पे मिल जाएगा, है ना, इस चीज का ध्यान रहे। और मैं कोशिश करता हूं कि इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूं। आई होप कि आपने समझ लिया होगा अच्छे से। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, तो आज इसने मेंशन कर दिया। 6 मंथ्स ऑलरेडी है आपको इलेक्ट्रिकल वाला, खासकर 6 मंथ्स हैं आपके पास, तो आप इस टाइम का बहुत बढ़िया से यूटिलाइज कर सकते हो। आई होप यहाँ पे तक कोई दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।